ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं, यदि कोई जटिल रोग है, कोई बड़ा रोग है जहां अन्न नहीं खाना है, उस समय भोजन में जो लेना है उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न आया है तो इस पर बात करनी आवश्यक हो गई है। पर उस प्रश्न पर बात करने से पहले एक सूचना आपको दे दूं कि बहुत से दर्शक मेरे वीडियोस पर नंबर मांगते हैं। मैं वीडियोस पर कभी नंबर नहीं देती, मैं कमेंट में कभी नंबर नहीं देती, आपको नंबर स्वयं ढूंढना होगा। नंबर कहाँ मिलेगा मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा वीडियो देख के आप नंबर मांगेंगे तो क्षमा करें। अब हम बात करते हैं, यदि कोई भी जटिल रोग है, कोई भी ऐसा रोग है जिसमें अन्न मना किया है, तो आपको क्या खाना है। मित्रों, सलाद हमने बोला, कोई भी एक वस्तु का सलाद आप बनाकर खा सकते हैं, कोई भी एक। जैसे गाजर खानी तो खाली गाजर खाइए, ककड़ी खानी खाली ककड़ी खाइए, कभी भी मिक्स सलाद ना खाएं, और सलाद कभी भी शादी ब्याह में ना खाएं, क्योंकि वहाँ का सलाद बहुत पुराना अर्थात 2-4 घंटे का कटा रखा होता है, वो हानिकारक होता है। इसलिए आपको जो सलाद खाना है वो तुरंत काट कर तुरंत खाएं। और उसके अलावा जो आपको सूप और सब्जियां बनानी है, कैसे बनानी है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए आप जिस भी वस्तु की सब्जी बना रहे हैं, आप जो बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो ध्यान दें कि मिट्टी का हो, और यदि मिट्टी का नहीं हो सकता है तो कम से कम पीतल का हो, और पीतल का भी नहीं है तो कम से कम स्टील का हो। एल्युमिनियम का कोई भी पात्र आपको भोजन बनाने में इस्तेमाल नहीं करना है, वो विष पकाता है, क्योंकि एल्युमिनियम धातु ही ऐसी होती है। तो कम से कम स्टील के पात्र का इस्तेमाल करें, और कुकर में सब्जियां आदि उबालने की आवश्यकता नहीं है, सब्जियां ऐसे ही उबल जाती हैं, और उनको उबालने के लिए आपको एक बस काट के किसी भी स्टील के पतीले में काट कर आप उसको थोड़ा हल्का सा नमक डालकर, नमक आप सेंधा प्रयोग करेंगे या काला प्रयोग करेंगे, जो आपको उचित लगे। सेंधा नमक आपको घर में लाकर पीसना है, बाजार से पिसा हुआ नहीं लाना है, उसमें मिलावट होती है, तो आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, और काला भी आपको घर में ला के पीसना है, बाजार से पिसा हुआ ना लें, वो मिलावट वाला होता है। तो आप उसमें नमक डाल के आप उसको उबाल लें। उबालने के बाद इसमें आप थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और हल्की सी हींग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप हींग ना डालें, आप जीरा और ये काली मिर्च का पाउडर डाल के भी उसको ले सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का पाउडर इतना अधिक ना डालें कि तीखा हो जाए। गरम मसाला नहीं, कोई हरी मिर्च या हरी मिर्च आप चाहें तो, पर वो हरी वाली जो आती है ना एकदम गहरे रंग की, जो बहुत तीखी होती है, वो मिर्च कदापि प्रयोग ना करें, वो जलन दे देती हैं गले में, और वो कई बार यदि उल्टी हो जाती है, कई बार क्योंकि रोग जब बड़ा होता है तो किसी किसी को उल्टी भी हो जाती है, तो उसमें नाक की बहुत खराब स्थिति हो जाती है। इसलिए कभी भी हरी मिर्च का, तीखी मिर्चों का प्रयोग ना करें, आप तीखा भोजन कदापि ना लें, और लाल मिर्च तो विष है आपके लिए, तो ये तो आपको कभी लेना ही नहीं है। तो आप कोई भी सब्जी, जो सब्जी आपको खानी है, गैस आदि हो रहा है तो उसके लिए पहले आप हमारी पेट क्या क्या करें प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पेट क्या क्या करें नहीं, अब तो पेट उधर रोग नाम हमने थोड़ा बदल दिया उसका, पेट उधर रोग कर दिया, आगे जाके उधर रोग के नाम से आएगी आपको, तो उधर रोग आप उसको देख लीजिए, वहाँ हमने गैस आदि एसिडिटी का समाधान क्या पूरा विस्तार से बताया हुआ है, आप उसको देख के समाधान कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी सब्जियाँ जो आप खाना चाहें, यदि कोई डॉक्टर ने मना किया है तो उसको ना लें, अन्यथा आप हर सब्जी खा सकते हैं, और एक सब्जी एक बार में बनाएं। हाँ, यदि आपको आलू खाने की इच्छा, आलू खाइए, लेकिन आलू में घी तेल मिक्स ना करें, जहाँ घी और तेल किसी भी चीज़ में मिलता है उसके बाद उसमें गड़बड़ होने लगती है, तो घी तेल मिला हुआ भोजन आप ना करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब आपको जो सूप बनाना है उसकी विधि हम बता देते हैं। सूप जो आपको बनाना है, अक्सर सूप टमाटर, लौकी, तुरई या ऐसे ही जो रसदार और हरी सब्जियां, पालक आदि का सूप बनता है, इनका सूप, जिसका भी सूप आपको बनाना है उसको पहले उबाल लीजिए, पहले साफ कर लीजिए धो के अच्छी तरह से, और उसके बाद आप उसको पीस कर भी उबाल सकते हैं, उबाल कर भी पीस सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मैं अक्सर जो टमाटर का सूप बनाती हूँ तो मैं पीस कर उबालती हूँ, उबाल कर नहीं पीसती, तो पीस कर ही पका लेती हूँ, और सीधा बस उसमें हल्का सा थोड़ा उसमें जीरा पाउडर डाला, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाला, बस उसको ऐसे हम खा लेते हैं, वो अच्छा लगता है हमें। तो हल्का सा मीठा, किसी किसी को मीठा अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा मीठे में सूप में हल्का सा गुड़ अच्छा लगता है, तो मैं उसमें डालती हूँ। आपको अच्छा लगे आप भी डाल सकते हैं, ना अच्छा लगे तो ना डालें, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको कैसा लेना है। पर इनको कैसे बनाना है, आप मात्र उबाल लीजिए, छिलका निकाल दीजिए, और
उसके बाद हाँ छिलका जिस सब्जी में उसका छिलका निकालेंगे पहले भी निकाल सकते हैं, टमाटर का बाद में निकलता है तो बाद में निकाले उबालने के बाद, और दूधी आदि का पहले ही निकाला जा सकता है। पालक को धो के साफ करके उसको उबाल के आप उसका सूप बना सकते हैं। बस सूप बनाने में अधिक कुछ नहीं करना है आपको, जिस वस्तु का सूप बनाना है, जिस सब्जी का सूप बनाना है उसको उबाल लीजिए और उसको ग्राइंडर से या मिक्सर में हल्का सा पीस लीजिए और उसमें हल्का सा मसाला जो आपको डालना है वो आप डाल लीजिए, बस सूप तैयार हो गया। सूप बनाने की विधि बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी या ऐसा नहीं कि जिसमें कोई बहुत बड़ा कुछ काम करना है, एकदम सिंपली 10 मिनट में किसी भी सब्जी का सूप तैयार हो जाता है। हाँ, सब्जी उबलने में जो टाइम लगता है उसमें थोड़ा कभी कभी समय अधिक लग जाता है। हाँ, कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा पानी डाल के हर सब्जी को आप उबाल सकते हैं और उसका सूप बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, जो आप जैसा आप खाना चाहें ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आपको पीसने की इच्छा नहीं है, कई बार लाइट नहीं होती है, कभी कभी जो सामान्य घर होते हैं भाई उनमें समस्या हो जाती है लाइट नहीं है, तो कोई बात नहीं, टमाटर काट के आपने ले लिया, उबाल लिया, उसमें डाल दिया जो आपको डालना है, ये काली मिर्च और जीरा का पाउडर, और आपने खा लिया, वो भी हो जाता है। क्योंकि सब्जियां जो है पीसना आवश्यक नहीं है, पीसना सूप के लिए, यदि आप चबा देते हैं तो और भी अच्छा काम करता है, क्योंकि चबाने में जो लार उसमें मिलती है वो बहुत अच्छा काम करता है, और जब हम पीते हैं तो उसमें उतनी लार नहीं मिल पाती जितनी चबाने में मिलती है, तो लार ना मिलने की वजह से कई बार थोड़ी जो समस्या आती है पाचन क्रिया में, तो उसमें कभी कभी समस्या होती है, अन्यथा कुछ नहीं। हाँ, पर यदि आपसे खाया नहीं जा रहा, यदि आप ऐसे चबा नहीं पा रहे, आपको भारी लग रहा है, तो आप सूप बना लीजिए, तो ज्यादा आसान सूप रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भोजन अभी अन्न वर्जित है, अन्न खाने से आपको समस्या हो रही है, अन्न खाने से आपके देह में विकार बढ़ रहे हैं, इसलिए अन्न नहीं खाना है, तो ऐसी स्थिति में आप ये ले सकते हैं। और हमने जो रात के भोजन में आपको बताया है कि आप रात के भोजन में अन्न ना लें, क्योंकि रात का भोजन यदि आप सूर्यास्त के बाद करते हैं और अन्न खाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होता है, उस स्थिति में भी आप ये जो हमने बताया इसका सेवन कर सकते हैं। मित्रों, विशेषकर मैं पत्नियों से अनुरोध करूंगी, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे कुछ दर्शकों ने ये बात बताई है कि पत्नियां खिलाए बिना मानती नहीं हैं, उनको ये लगता है कि नहीं खाएंगे कमजोर हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं, मेरी सभी गृहिणी सभी बहनों को एक बात बता दूं कि भोजन का खाना उतना आवश्यक नहीं है जितना हजम होना आवश्यक है। यदि भोजन आप देर से करते हैं वो हजम नहीं होता है तो देह में विकार उत्पन्न करता है, इसलिए भोजन ऐसा हो जो हजम हो सके। भोजन अधिक मात्रा में खाने से यदि व्यक्ति स्वस्थ होता तो जितने भी वो अधिक अधिक खाने वाले रोगी क्यों हो जाते हैं, वो रोगी इसलिए होते क्योंकि हजम नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते हैं। भोजन का पचना अति आवश्यक है, इसलिए मेरी बहनें, मेरी माताएं ये जिद ना करें कि भाई भोजन खा लो, भोजन कर लो, नहीं तो तुम्हें वीकनेस आ जाएगी, नहीं आएगी। मनुष्य का शरीर ऐसा है कि उसको यदि 4-6 दिन यदि वजन ज्यादा है तो उसको 4-6 दिन के 8-10 दिन भी भोजन ना मिले तो जो अंदर का फैट है डाइल्यूट होकर अपना भोजन बना लेता है, और जो जिनका वजन ज्यादा है उनको तो कदापि रात को अन्न खाना ही नहीं चाहिए, और कम वजन वालों का भी पचन शक्ति मंद हो जाती है जिसकी वजह से उनका भोजन नहीं पच पाता तो वो पतले ही रह जाते हैं, इसलिए उनको भी रात को अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि तभी पाचन शक्ति आपकी मजबूत रहेगी। तो मित्रों, ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सामान्य तरीके से आपको इसको बनाना है, पकाना है, और घर वालों पर थोड़ा दया करें मेरी गृहिणियां ताकि उनको आसानी रहे, बस इतनी सी बात का ध्यान रखें। और यदि आप किसी भी रोग के रोगी हैं, कैसा भी कोई भी रोग है, सर से लेकर पैर तक का कोई भी रोग है, कैंसर है, पेट में पीड़ा है, पेट में दर्द है, वजन बढ़ा हुआ है, कोई भी कैसा भी रोग है, उनके लिए आप वीडियो विवरण के सारे वीडियोस देखिए, वहाँ आपको हर रोग का समाधान मिलेगा। उसके अलावा हमने अलग अलग रोगों पर, अलग अलग प्रकार के रोगों पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जो हर उदर रोग और क्या सामान्य रोग और जटिल रोग के नाम से हमने बना रखी है, आप उनमें वीडियोस देखेंगे तो आपको उनमें वीडियोस मिल जाएंगे, और हर रोग का समाधान हमने करीब करीब दिया हुआ है। तो आप यदि उन रोगों, उन वीडियोस को देख के अपने आप को स्वयं स्वस्थ कर सकते हैं, और उसके बाद भी कोई समस्या बचती है, कोई शंका बचती है, वीडियो विवरण के सारे वीडियोस देखने के बाद कोई समस्या बचती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उन वीडियोस में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो वहां से नंबर लेकर कॉल करें। लेकिन वीडियोस देखे बिना कॉल ना करें, अन्यथा मुझे पुनः वही कहना पड़ेगा, वीडियो विवरण के वीडियोस देखिए, समाधान वही मिलेगा। और बिल्कुल भी नंबर टिप्पणी में ना मांगे, और कमेंट्स हो सके वहां तक वीडियो पर करें, व्हाट्सएप पर ना करें, व्हाट्सएप पे बहुत अधिक मैसेज होते हैं जिससे मैं उसको जल्दी देख नहीं पाती हूँ। धन्यवाद, वंदे मातरम।